empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई कैसे आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज मेरा बहुत पुराना पार्टनर मिल चुका है मेरे को, जो कि अभी पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रहा था। और हम कहाँ पे हैं तनिष? चंद्रशेखर वहाँ पता नहीं क्यों सर अभी नवाज बदतमीज लड़का। बाय द वे भाई कर रहा है तो करेंगे हम तो मार को। बाकी भाई देखो अभी ऐसे थोड़ी है, 85% के बाद है मेरे लिए। अच्छा, 10th में या 12th में? 12th में। अभी कौन सी में है? 12th में था, 10th में तो 81 है। बड़ा हो गया भाई, बड़े हो गए बालक। 76 तो हमारी भी यार 10th में। 81 पे आ देना झंडी, आराम ज्यादा दे सीबीएसई में। अजी रहन दो तुम, सीबीएसई तुम्हारा कौन सा? हरियाणा बोर्ड है सीबीएसई। फिर अभी तो बता रहा हूँ 75 तक तो आराम से निकलती है हर बच्चों को। अजी ना मिला भाई। हाँ मेरे तो भाई, मैंने 50-50 वाले भी देखे, फेल भी देखे। वो तो मैंने भी देखे। हाँ फिर यार हल्के में ले रहा मैं, बताओ हम पढ़े ना ये? हाँ ना पढ़ाए वैसे तो। कितना पढ़ाए बताइए रे? सुबह जैसे स्कूल उठा है, स्कूल खत्म होती बस खत्म पढ़ने। स्कूल में पढ़े ना? ना तो भाई हम आपको आज दिखाने वाले हैं जो थे अपने प्राइम मिनिस्टर थे, कितने दिन के थे? महीना भर के ही थे, पता नहीं। चंद्रशेखर सिंह जी जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनका बंगला दिखाने वाले हैं आज आपको। तो चलो बने रहो चैनल पर। हाय सुमति साम्राज्य। कम ऑन ब्रो, यू कैन डू इट। अरे यार टूट गया। खुशी देखो भाई, ये डाली तोड़ी और खुशी देखो कितनी हो रही है अगले को। डाली तोड़ने की बात थी, एक पीछे तोड़ के दिखा दिया, अभी हाथ तोड़ के दिखा दिया। अजी एक पीछे कच्ची तोड़ का तो खुश हो रहा है? कच्ची पहले कच्ची की कहीं ना, अब जब पक्की तोड़ी। अजी रहने दो। तो भाई ये रास्ता है कहीं वहां जाने का भाई। की सिम 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 बंद हो बंद हो जा सिम सिम। और भाई देखो ये सामने देख रहे हो आप, ये वाला ये चंद्रशेखर की कोठी थी जहाँ पे रहता था। तो अभी चल के देखते हैं। वैसे तो भाई बंद कर रखे हैं तब, वरना ये यहाँ पास रहते हम तो, बट इन्होंने ना बंद कर रखी है ये चीज़ें। यो बढ़िया सीन कर रखा है ना, टेढ़े हो रहे हैं, झुक रहे हैं। पर कुछ नहीं कुछ नहीं भाई, देख लो एक बार कितना कैडी चीज़ बनी थी। कहाँ छुप गया? ये देखो ताऊ बैठा है। टिन टिन चंद्रशेखर का स्विमिंग पूल। भाई पूल तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, हैं रे मोटे भाई, पर पानी वो तो यार गरीब आदमी हो बेचारो, पानी का करना क्या है। ऐसा था वो जो जोड़ था, ये अपना चंद्रशेखर वाला जोड़ के पीछे है जो। हाँ। भाई देख लो ऐसा था। और अभी आपको है ना उसकी मेन वो दिखाऊंगा कि भैया था कैसा। ये यहाँ का मेन एंट्रेंस है जिसपे ताड़ो लगा है। ओए ताड़ो, आज एक बार स्विमिंग पूल दिखा के आएंगे। चलो भाई स्विमिंग पूल दिखाते आपको। ये देखो भाई ये गैलरी रही। ये देखो भाई ये है स्विमिंग पूल जो कि बिल्कुल खाली है, खाली। यहाँ से आता ये इनका बाथटब
स्विमिंग पूल वाला एरिया। और चलो है इतना पैसा मेरे पे क्यों नहीं, क्योंकि हम गरीब हैं। मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। चंद्रशेखर जी लाइक है, चंद्रशेखर जी लाइक, मैं अमीर हूँ। मैं तो अमीर हूँ, दुआ से टपका के अम्मा मैं अमीर हूँ। भाई देख लो का भाई, आज से करीब ये 35 साल पुराना स्ट्रक्चर है जो अब तक ऐसे का ऐसे ही खड़ा है। इसमें बस हल्की बहुत रिस्टोरेशन हुई है। और आप एक बार यहाँ पे, ये तो भाई इसने इतना प्यारा व्यू दे रखा है इस चीज़ का, देखो ये यहाँ ग्रिल वगैरह चंद्रशेखर ने कितने उससे बनवाया था भाई यो भी। और है कितना बड़ा है तनिष, बहुत बड़ा है। अगर 2 किलोमीटर में तो है, राउंड ही तो 1-2 किलोमीटर का ये तो वो है इसकी जो खाली कोठी कोठी है, 1-2 किलोमीटर की कोठी है। वैसे चंद्रशेखर पूरा फार्म कितना बड़ा है भाई, 8-9 किलोमीटर का। तैने अभी पूरा एक्सप्लोर ही नहीं किया है, तैने पूरा एक्सप्लोर ही नहीं किया। ये करीब करीब 15-16 किलोमीटर तो पहाड़ों में है। चेक पोस्ट वगैरह है, चेक पोस्ट तो वो ये सब की है शायद। नहीं नहीं नहीं, किसी की है। ये देखो भाई, ये इसका लोन हुआ करता था जो सीधा है वहाँ तक, वो सामने दिख रहा है एक और चेक पोस्ट वहाँ तक, वहाँ पे था इसका भाई गेस्ट हाउस। अभी चलते, चलो गेस्ट हाउस दिखाते हैं आपको, वो खुल रहा है। भाई पहले ना काबले जी में पढ़े, हमारे यहाँ स्कूल है तो हमें ना पिकनिक पे लाए करे। हमें भी एक बार लेकर आया यहाँ पे पिकनिक पे। तो भाई इसके अंदर ना वो स्केलेटन टांग दिया उनने जानबूझ के, बाल करने डराने के लिए। तो हमारे बीच में कुछ तो ऐसे थे जो डर जाते थे, और कुछ थे मेरे जैसे, मेरे जैसे जो बहुत ज्यादा डरते थे, जो उसकी स्केलेटन की टांग पकड़ के खींच रहे थे। क्या है, क्या चीज ही है यहाँ पर भाई। नीचे चल गए ना, बहुत प्यारे प्यारे स्विमिंग पूल्स है और काफी अच्छा व्यू आता है वहाँ पे। स्विमिंग पूल नहीं है भाई वो, उनको भाई फिर क्या बोलते हैं हम, उसमें वो लग रहा है वो तालाब बोलते हैं उसको हम, लग रहा है ना भाई। हाँ, अच्छा तो ये किसकी मूर्ति है, उन्हीं की होगी भाई ना, चंद्रशेखर की तो नहीं। चल देख के आते हैं। अब मेरे को भाई ये तो पता नहीं है कि ये भाई है कौन। 1920 से 2000 ये है भाई श्री बैनी प्रसाद माधव। हाँ आज आज बताओ, आज पहचानी हमने, हम देखे ही कहाँ हैं, आवे हम यहाँ पे। ये भाई देखो सामने है ना, जो मैं बता रहा था कि ये भी तनिष बता रहा था पहले कि भाई ये तालाब था जो दिखाया था, जोहड़ बहुत बड़ा जोहड़ है वो यहाँ पे नीचे। और अब दिखाते हैं आपको यहाँ की जो उसका फार्म हाउस था ना, और सामने से व्यू देख लो यार, मतलब चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है ये फार्म हाउस इसका, और काफ़ी बड़ा बहुत लंबा फार्म हाउस है भाई। अगर एक दिन इसको घूमने घूमने में लगा दे तो आपको आधा ही एक्सप्लोर करा पाएंगे जल्दी जल्दी के चक्कर में। भाई ये है इसका गेस्ट हाउस जो कि पूरा टूटा पड़ा, पूरा ख़त्म हो पड़ा है, पत्थर की बनावट है भाई इसकी। अभी अंदर से भी दिखाऊंगा इसको मैं, थोड़ा भूतिया टाइप है। डर रहा है ना, डर तो नहीं रहा, कोई ना देख लेंगे। ये भाई वैसे बैक गेट है इसका, फ्रंट में भी दिखाता हूँ। एक ये चेक पोस्ट है और ये है भाई, पहले इसको दिखा देते हैं हैं, इसको भाई छज्जा, जैसे हमारी लैंग्वेज में छज्जा बोलते हैं, ये छज्जा है। और सामने टेरेस, अच्छा ओवर द पूल, ओवर द पॉन्ड, या दिस इज टेरेस ओवर द पॉन्ड। और भाई ये देख लो, अभी इसमें पानी चला है इसमें। ओए कितने बंदे मरे थे ये देखो भाई, काफी बड़ा है। और इस साइड चल के है ना, करीब करीब ये 600-700 मीटर है ना इस साइड का, 600-700 मीटर लंबा है इस साइड से, सीधा ही सीधा है। गिरने के बाद भी कितना हरा है, पानी मिल रहा है ना इसको, देख लो भाई प्रकृति का जूबा। पेड़ गिर चुका है, जड़े बाहर आ चुकी हैं, उसके बाद भी हरा है पेड़, और फूल तो खिल रहे हैं भाई। तो जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। ये देखो भाई कितने ड्रैगन फ्लाई उड़ रहे हैं, अगर आपको दिख रही है तो। और थोड़े दिनों पहले, मतलब 1-2 महीने पहले यहाँ पे व्हाइट कलर वाली वो रहे ना, क्या बटरफ्लाई, हम्म, वो मिलती है देखो, मोनार्क बटरफ्लाई,
मेरे को ना पता यो नीचे घूम रही है जो पीली सी, मैं इतना नहीं जानता। बाकी भाई इस तालाब में 3 से 4 बंदे डूब के मर गए थे। इतना गहरा है, इतना पानी रहता था, ये बाउंड्री है ना ये ऊपर तक, यहाँ तक पूरा पानी पानी था इसमें। जब हम छोटे से ना तब मरे थे, इसके बाद इसमें पानी करना ही बंद कर दिया। कहाँ चल रहा है इसको दिखाएंगे आज। क्यों यार भाई, मैंने कच्चा पहन रखा है, कुछ नहीं हो जाएगी पाँव में। अबे कुछ नहीं हो रहा, आ जा भाई, तनिष डर रहा है। डर नहीं रहा भाई, मैं जल्दी आ, जल्दी आ भाई। उसमें मानते ही नहीं रहा यार, किसी गाड़ी है, खुद ने लोवर पहन रखी है। मैं ऊपर कर लूं यार फिर भाई। भाई यार जल्दी आ, जल्दी आ भाई, देख लो तनिष डर रहा है। और सो गाइस, ये यहाँ पे इसका चंद्रशेखर का फाउंटेन है जो काफी बड़ा है, और ये जो पॉन्ड है ये भी बहुत बड़ा है। ये देख लीजिए आप, ये देख लो भाई, ये इस साइड सामने चल के ना काफी बड़ा है, कम से कम नहीं 201 मीटर और लंबा है। और यहाँ से कुछ एंट्री है भाई इसके गेस्ट हाउस की, ये कुछ एंट्री है इसके फार्म हाउस की। और यहाँ देखो ये बेसमेंट है यहाँ पे, और ये टॉप पे है। अभी चलते हैं जल्दी से अंदर। रेडी है भाई चलने के लिए? ना भाई, इसमें डरने की क्या बात है, अभी तो चलो। पहले मैं क्यों क्या हो गया क्या हो गया, डर लगता है क्या, लगता है थोड़ा सा। चलो 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 भाई, देखो इस वजह से ये जगह खराब हो रही है। चलो तनिष चलो, यू कैन डू इट ब्रो। भाई पूरा टूटा पड़ा है क्योंकि काफी टाइम हो गया। वो तो यहाँ के बंदों ने, ओ ये क्या है, मट्टी। ये देख लो भाई, ये है चंद्रशेखर का क्या कहते हैं इसको, गेस्ट हाउस। और ये रहा भाई भूतिया प्लेस, जहाँ से लोग अब तक जाने से डरते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ है। डरते हैं भाई, बहुत डरते हैं यहाँ पे बंदे। ये भाई इसका गेस्ट हाउस था। क्या है ये देख लो भाई, और यहाँ से ये है। आजा चलो, इसमें चल रहे नीचे। क्यों डर रहा है क्या, कोई नहीं, सोच के अलग सोच। आजा नीचे चल रहे हैं, चल भाई चैलेंज करते हैं कौन नीचे जाएगा। आजा आजा, तो क्या हो गया, फोन की फ्लैश जला के चला जा। भाई देखो तनिष नीचे जाने से डर रहा है। अच्छा तो भाई हम भी नहीं जा रहे हैं फिर ऐसे काम के लिए, बिकॉज ऑफ हमारा पार्टनर ही जब मना कर रहा है तो क्या करें। चलो ये दोनों चैलेंज कर रहे हैं, क्यों है हार गया, छोड़ो फिर भाई रहने दो। तो गाइस आज के लिए इतना है, तनिष की पड़ चुकी है, तो भाई बाय आज के लिए इतना ही। बाकी अगर बोल रहे दम दादा, तो अकेले क्यों नहीं गए, मैं अभी चला जाऊंगा, बता कोई शर्त रखते हैं। चल इतना शर्त भाई, इतना है ही नहीं मेरे पे, बस बस हो गए ठंडे। मैं भाई जान के लिए रेडी हूं, तू पैसे तो इतने मुंह पे फेंक के मारूंगा, 10 रुपए। चल 10 रुपए हट, तो चलो भाई आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, और कितने हैं, 11 12, चलो वो खाएंगे फिर। बस भाई आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी व्लॉग ज्यादा लंबा हो जाएगा। और आपको कैसा लगा आज का ये व्लॉग, आप हमारा व्लॉग नहीं देखोगे, अरे ये तो बहुत बड़ा है, हम नहीं देख रहे। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। All around the globe, trying to protect your soul.